ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। सुकमा जिले में नक्सल घटना की कड़ी निंदा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की है। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवान सुधाकर रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही शहीद जवान के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद से नक्सलियों में बौखलाहट का माहौल आ गया है। हमारी सरकार नक्सल समस्या को केंद्र सरकार के सहयोग से पूरी तरह खत्म करेगी। नक्सली घटना का समाचार मिलते ही मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में मुख्य सचिव, डीजीपी एवं अन्य अधिकारियों की बैठक ली। इसमें नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन में तेजी लाने और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। इस बैठक में खुफिया विभाग के बड़े अधिकारी भी उपस्थित थे। दिशा निर्देश दिए हैं। अभी लगातार नक्सल वारदात हुए हैं और अभी सरकार बदली है तो उनमें बौखलाहट भी है और इस तरह का कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। आज हमने आकस्मिक बैठक लिया है सीएस और डीजी का और अधिकारियों का और सख्त निर्देश दिया है कि सरकार बदली है तो नक्सलियों के साथ लड़ाई में भी मतलब सख्ती दिखना चाहिए। नहीं, सौजन्य मुलाकात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सौजन्य मुलाकात। चुनौती तो बहुत बड़ी है लेकिन पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार है तो सब ठीक कर। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।